पहला गाना रिलीज होते ही रानू मंडल ने लता मंगेशकर को दिया ये जवाब, मैं नकल कहाँ कर रही हूँ, नमस्कार। रानू मंडल का पहला गाना तेरी मेरी कहानी हाल ही में रिलीज हो गया है। इस मौके पर हिमेश रेशमिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इसमें हिमेश रानू मंडल को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान रेड कलर की साड़ी में रानू का लुक काफी बदला हुआ लग रहा था। कई सारे मीडिया पर्सन उनके सामने थे और एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे। रानू ने भी सभी के जवाब दिए, साथ ही वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही लता मंगेशकर ने रानू के लिए कहा था कि वे अपनी ओरिजिनल गाना गाए, किसी की कॉपी करने ज्यादा दिन टिका नहीं जा सकता। अब इस कॉन्फ्रेंस में उनको लता मंगेशकर के इस बयान पर सवाल किया। इसका जवाब देते हुए रानू मंडल ने कहा, मैं नकल कहाँ कर रही हूँ, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी से इंस्पायर होता है। जैसे कुमार सानू खुद को किशोर कुमार से इंस्पायर बताते हैं, ठीक वैसे ही मैं लता जी जैसे नहीं बन सकती। वो महान सिंगर है, उनकी जो जर्नी रही है उससे कोई भी इंस्पायर हो सकता है, वैसे ही मैं भी हुई हूँ। वह आगे कहती है, मैं बचपन से लता जी के गाने गाती आई हूँ। सभी मुझसे कहते हैं कि मेरी आवाज लता जी से मिलती है, मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। इस दौरान हिमेश रानू मंडल के बारे में बात करते भावुक हो गए और रोने लगे। रोते हुए उनकी पत्नी सोनिया ने संभाला और आंसू पोंछे। ये सब देखने के बाद फैंस हिमेश की तारीफ कर रहे हैं, वही रानू को मौका देने के लिए फैंस उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।